डिस्क्लेमर, अगर ये वीडियो आप टीवी पे देख रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम टीवी का वॉल्यूम और भी बढ़ा सकते हो, बस अगर उड़ता हुआ चप्पल तुम्हारे मुंह पे आके लगे तो मुझे मत बोलना, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आप लोग टाइटल और थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो आज मैं अपने एक स्कूल दोस्त के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगेन टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लग चुका होगा कि मेरा बचपन नॉर्मल बचपन की तरह तो खुशी से नहीं था। अरे खुशी, लड़की वाली खुशी नहीं, हैप्पीनेस वाला खुशी। क्या तुम भी यार भाई, ये बंदे का नाम फिलहाल के लिए रखते हैं कटवा, नहीं सर कटा, नहीं कटवा है, अच्छा ठीक है, क्योंकि वो गांडो का सर आधा कटा हुआ था। यस, उसका एक एक्सीडेंट के दौरान उसका स्कल आधा काट के निकालना पड़ा कुछ ऑपरेशन के लिए। ब्रो वाज ओपन माइंडेड, जस्ट किडिंग यार। शायद वन मंथ अप्रोक्सीमेटली उसके बाद वो फिर से वो बोन जोड़ भी दिए। एंड या ये रियल है, आप लोग बोल सकते है कि यार उसका पर्सनल मैटर है तो क्यों उसका इनसिक्योरिटीज का मजाक उड़ाता है। तो वो भी मेरे को वैसा ही करता था, मेरा मजाक उड़ाता था, मेरा इनसिक्योरिटीज का मजाक उड़ाता था जस्ट फॉर समवन्स लाफ। ये बंदे के साथ क्लासमेट्स का दुश्मनी बना रखा है, बट क्योंकि कोई भी मुंह पे दिखाता नहीं क्योंकि साथ में जो रहना है पूरा क्लास। कटवे के साथ बात करना इतना ही मुश्किल है जितना पॉलिटिशियंस लोगों से उनका प्रॉमिस का उम्मीद रखना। कटवे से दोस्ती एक्सपेक्ट करना इतना ही मुश्किल है जितना पॉर्न फिल्म में लॉजिक ढूंढना। कटवे के साथ रहना इतना ही मुश्किल है जितना बिना लाइट वाले कमरे में अफ्रीकन को ढूंढना। कटवे के साथ अभी यार छी भाई बस करो यार, कितनी बार बोलूंगा जी। ये बंदा खुद को ऊंचा दिखाने का बहुत कोशिश करता था, वो बात ही ऐसा करता था कि दूसरे बंदे उसकी तारीफ करना पड़े, वो सुनके बड़ा सेटिस्फाई होता था। बताने साले को क्या ऑब्सेशन था खुद से, वरना वो बाकी लोगों के साथ मिलके वो मजाक उड़ाता था। एंड लोगों में लड़कियां भी इंक्लूड कर लो, और वो कटवा ऐसा वैसा मजाक नहीं, दूसरे बंदों का वीक पॉइंट्स या के लो इनसिक्योरिटीज का मजाक उड़ाता था। अब तो बाकी लोग यही फॉलो करते है, गांड फटे तो फटे लेकिन नवा भी ना घटे। मतलब गांड तो फुल फ्लेच्ड फटी होनी चाहिए लेकिन नवा भी नहीं घटनी चाहिए, अपना रेपुटेशन नहीं घटना चाहिए। तो सारे बंदे कटवे के पीछे पागल होके पड़ते थे जैसा कि वो एक बड़ा आदमी हो। इवन टीचर्स भी उसको कुछ नहीं कहते थे। एक्चुअली रीजन ये है कि वो टीचर्स का चाटता था, सिंपल भाषा में कह लो कि वो टीचर्स के गांड में उंगली करता था। लेकिन दिक्कत ये है कि वो उंगली उंगली से नहीं अपनी जीभ से करता था, तो इसलिए टीचर्स भी खुश रहते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बंदा पास है तो वो बंदे को अलग ही स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता था, वो ही दुनिया का राजा है। और अगर वो नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है, लाइक ऐसा एटीट्यूड था वो बंदे को कटवा। तो वे अपने ही एक अलग दुनिया में रहता था, कोई उसे रियलिटी का चेक दे तो वो भड़क जाता था, आर्ग्यूमेंट करना लग जाता था। अगर बाई चांस कटवा आर्गुमेंट में हार गया या फिर आर्गुमेंट में हारने लगा तो बिन बात का गाली और गुस्सा करता था बाकी क्लास के लड़कों के ऊपर, और वो उसके बाद चुप बैठ जाता था ताकि गलती हमारी है यार, वो हमें गिल्ट देता था साला। तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जा गुज जाओ मेरी गांड में। देखो यार, दोस्त कॉन्डम की तरह होते है, जब जिंदगी हार्ड होता है ना तब वो काम आता है। लेकिन ये कटवा तो निकला फटा हुआ कॉन्डम, वो भी डॉटेड वाला क्योंकि इसका सर थोड़ा कटा हुआ है। तो यार ये था यार आज का वीडियो, अगर पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो सब्सक्राइब करो। ये था आज का थोड़ा बहुत स्टोरी टाइम एंड काइंड ऑफ रोस्ट का जैसा वीडियो। तो यह बताओ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। It's not a game, it's a rage game.